अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की वीडियो में हम इस डिजिटल क्यूआर कोड पेयर करने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर सेल डालने से भी ये वर्क नहीं कर रहा, ये ऑन नहीं हो रहा। तो चलिए सबसे पहले इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या पार्ट है। तो फ्रेंड, इसे मैंने पहले ही ओपन किया हुआ था, तो इसके अंदर से जो वायर हैं वो टूटी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके सीपीयू वगैरह ओपन कर देते हैं। फ्रेंड, इसकी जो ये वायर है, वायर वो टूटी हुई है, तो सबसे पहले इसकी वायर को खोल कर रिपेयर करते हैं। आपने सबसे पहले ओपन कर लिया, तो ओपन करने के बाद इसके जहाँ से इसके बैटरी की वायर वगैरह टूटी हुई है उसको सॉल्ड कर देना। तो इसकी जो स्क्रीन है वो मैंने ऊपर से उतार ली। ये नीचे इसका LED लाइट का पैनल है, आप इसको ऐड कर लें। तो फ्रेंड, इसकी एक पॉजिटिव बैटरी वायर यहाँ से टूटी है और नेगेटिव वाली यहाँ से इसकी टूटी हुई है। तो इससे यहाँ पर इसे दोबारा से सोल्ड करके हमें इसकी बैटरी के वायर को कनेक्ट करना है। तो ओपन करने के बाद अब इसको सोल्डिंग के साथ इसकी जहाँ से इसकी वायर टूटी हुई है वहाँ पर एक यहाँ पर नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव यहाँ पर। तो चलिए इसे सॉल्ड कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे तो फ्रेंड ये वायर को अब मैंने सोल्डरिंग के साथ यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट पर सोल्ड कर दिया। तो अब इन वायर को बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। बैटरी की वायर कनेक्ट करने के बाद अब दोबारा से जैसे हमने इसे ओपन किया था वैसे ही हम इसे क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले इसे मैं क्लोज करने लगा।
फ्रेंड अब इसकी वायर को मैंने कनेक्शन करने के बाद अब इसको हम क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद सबसे पहले इसकी जो बैटरी की वायर है वो बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इसके साथ मैं सेल कनेक्शन नहीं करूँगा, बल्कि इसकी अब बैटरी इसके कनेक्शन करने के बाद इसको मैंने क्लोज कर दिया। तो अब इसके साथ बैटरी अटैच करेंगे। वैसे तो इसमें ये डबल ए सेल यूज़ होते हैं, जो कि कुछ दिनों के बाद वो इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं। तो इसके साथ मैं ये मोबाइल की बैटरी अटैच करने लगा हूँ, ये 3.7 वोल्ट की बैटरी। तो इसके साथ अब मैं ये मोबाइल की बैटरी अटैच करूँगा। चलिए सबसे पहले इसके कनेक्शन कर देते हैं। यहाँ पर ये रेड वाली पॉजिटिव को इसके ब्लॉक की पॉजिटिव के साथ अटैच कर देंगे। और ब्लॉक की नेगेटिव को इसके साथ नेगेटिव के साथ। तो जैसे ही मैंने इसे कनेक्ट किया तो ये वो करना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो चुकी है। तो इसके ये बैटरी के साथ सही वर्क कर रही है। ये 3.7 वोल्ट की बैटरी जो कि मैंने इसके साथ अटैच कर दी। तो अब इसे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि इसका टाइम और ये सही वर्क कर गया। ये वायर को अफोर्ड करके रखते हैं।